जय माता दी, 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 जय माता दी। हे देवी माँ, अब तो मेरी इच्छा पूर्ण कर दो माँ। मैं तुम्हारे मंदिर में शुद्ध देसी घी के दिए जलाऊंगा। उस निर्धन के कंधे पर माँ चार चार पेटियों का पहाड़ जैसा बोझ है। अब तो मेरी इच्छा पूर्ण कर दो माँ। अब तो मुझे एक बेटा दे दो माँ, ताकि मेरा जीवन व्यर्थ न जाए। मेरा पिंडदान कौन करेगा माँ? नहीं नहीं माँ, अपने भक्त पर अनर्थ मत कर। मुझे एक बेटा दे दो माँ, एक बेटा दे दो माँ। रामलाल, अरे पागल हो गया है क्या? देवी माँ से कह रहा है कि तुझे बेटियां क्यों दी? बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो देवी माँ का रूप होती है। देख देख, देवी माँ को देख, स्वयं वो एक स्त्री रूप है। एक तरफ तो तू पूजा करता है, उनकी आरती करता है, और दूसरी तरफ बेटियों को बोझ समझता है। अरे बेटी हो या बेटा, देवी माँ की कृपा समझ कर उसकी अच्छे से परवरिश कर, और कुछ भी मत सोच, ये सब बेकार की बातें। अरे पंडित जी, ये 11 रुपए लो, पहले पूजा पाठ कर लो, वो बाद में करेंगे वो बात। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नो दुर्गा प्रकीर्तिता। जय देवी माँ। ये लो रामलाल प्रसाद। सुनो पंडित जी, खानदान का नाम करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई तो चाहिए ना, ताकि लोग कह सके कि ये रामलाल का बेटा है, गिरधारी लाल का पोता है। अच्छा रामलाल, एक बात बता, इस गांव के बाहर कितने लोग रहते हैं जो ये जानते हैं कि तू किसका बेटा है और किसका पोता है? और तूने तो ऐसा कोई महान काम भी नहीं किया है जिसके कारण तेरे खानदान को लोग जानेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि खानदान का नाम बेटे के कारण नहीं, बल्कि बेटा और बेटी के द्वारा किए गए बड़े कामों के कारण जाना जाता है। अब देख, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, सरोजनी नायडू, उनके बड़े कामों के कारण ही हम आज भी उन्हें और उनके परिवार वालों को जानते हैं। लगता है पंडित जी तुम सठिया गए हो। उनका और हमारी बेटियों का भला क्या मुकाबला? अरे उनका तो जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ था। कोई महान कार्यों के लिए जन्म नहीं लेता है, बल्कि जन्म लेकर के महान कार्य करता है और अपने जन्म को सिद्ध करता है। पर इसके लिए आवश्यकता होती है सही शिक्षा दीक्षा और सही लालन पोषण की। इसीलिए रामलाल कहता हूं कि अपनी बेटियों को सही शिक्षा दे और सही संस्कार दे। तुम पढ़ा रहे हो ना अपनी बेटियों को, तो पढ़ाओ। लेकिन मेरा मानना है कि बेटियों के तो जितनी जल्दी हो सके हाथ पीले कर देने चाहिए, ताकि सर से बोझ उतरे। रामलाल, पढ़ाई कमाने के लिए और नौकरी के लिए नहीं होती, पढ़ाई तो होती है अच्छे और बुरे की पहचान के लिए। बस बस पंडित जी, आज के लिए इतना उपदेश बहुत है। जय माता दी, जय माता दी। अंधे के आगे रोए, अपने ही नैना खोए। देख देख बाबूजी आ गए, देख देख प्रसाद। ये ले सुखी, देवी माँ का प्रसाद खा ले। अच्छा जी, एक मिनट। आए राम, बापू मुझे भी दो। ये ले, चल भाग यहाँ से। सारा दिन जुगाली करती रहती हैं, पता नहीं इतनी भूख कैसे लगती है। देखो जी, प्रसाद नहीं देना है तो मत दियो, लेकिन मेरी बेटियों पे ऐसे मत चिल्लाना तुम। अगर बेटियां इतनी बोझ लगती है तो फिर से बच्चा क्यों पैदा कर रहे हो? बस एक बार बेटे का मुंह देख लूं,
कान पकड़ता हूँ, झट नसबंदी करा लूंगा, बस अब की बार बेटा पैदा कर दे। और अब की बार फिर से बेटी पैदा हुई तो अगले साल में फिर पेट से, देखना बेटियां पैदा करते करते दिन मर जाऊंगी मैं। छी छी छी, कैसे अब शगुन की बातें कर रही हो? देवी माँ से मन्नत मांग कर आया हूँ, देखना माँ हमारी इच्छा जरूर पूरी करेगी। सुनते हो जी, आजकल तो सभी लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और हमारी बेटियां तो इतनी बड़ी हो गई है पर अभी भी उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। मैं सोच रही थी अगर हम भी उनको पढ़ाते तो उनका कर्ज सुधर जाता। जी तेरा दिमाग खराब हो गया है, अरे बेटियों से भी कभी वंश बड़ा है भला? अरे इन्हें पढ़ा लिखा कर क्या करना है, ये घर के काम सिखला, आखिर ब्याह के बाद तो करना चौका चूल्हा ही है ना। बापू चाय। बापू वो बुआ की दोनों बेटियां भी तो स्कूल में पढ़ने जाती है ना? तो वो बुआ कह रही थी कि बेटियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। अरे उसका तो बचपन से ही दिमाग खराब है, वो तो पढ़ाई लिखाई की रट लगाई रहती थी, बड़ी अंग्रेजन समझती अपने आप को। बेटियों को ब्याहने जाएगी ना तब अकल ठिकाने आएगी उसकी। बेटियों को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बापू पर मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। बाप मरा अंधेरे से, बेटी का नाम रोशनी। अरे ऊटनी जितनी बड़ी हो गई है ये, मुझे तो दिन रात तुम्हारे ब्याह की चिंता सताती रहती और ये कहती है कि इसे पढ़ना है, घर का काम आता है, चूल्हा चौका सिलाई कढ़ाई आती है, नहीं ना? पर जा पहले वो जाकर सीख। वो सब तो मुझे आता है बापू, पर साथ साथ पढ़ने में हर्जी क्या है? अरे बेसर पैर की बात मत सोचा कर, जा मेरे लिए कपड़े तैयार कर, मुझे तुम्हारी बुआ को लेने जाना है ताकि तुम्हारी माँ के अस्पताल जाने के बाद वो तुम लोगों का ख्याल रख सके, चल जा। दुलारी, अरे ओ दुलारी, बेटी मत, दुलारी। जी माँ। अरे इसको बाहर जरा टहला दे, चुप हो जाएगी, इसकी तबीयत इतनी खराब है कि इसको चुप कराने की भी ताकत नहीं है। अच्छा माँ अभी हाथ धो के आती हूँ। बेटी चुप हो जा, मेरी बेटी, मेरी नानी बेटी, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, इसका बीमार है ना? कैसी है रे सुखी, ये क्या गलत बना ली तूने अपना? अरे अभी एक बच्चा संभालता नहीं दूसरा होने को तैयार होता है। दीदी ये सब तुम्हारे भाई के बेटे पानी का चाहत का फल है। अरे शुभ शुभ बोलो दीदी, देखना अब की बार बेटा ही होगा। अरे रामलाल जमाना बदल गया है, अब तू भी बदल जा, ये बेटे बेटे की रट छोड़ और अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा जैसे मैं पढ़ा लिखा रही हूँ अपनी बेटियों को। बस बस दीदी ज्यादा उपदेश मत दो नहीं तो मेरा माथा फिरने लगता है। अरे माथा तो मेरा भी फिरने लगा है, पर तुझे बुरी लगे या अच्छी जो सच है वो कहूंगी, आखिर तेरी सगी बहन हूँ, तेरे भले के लिए सोचूंगी। दीदी बर्दाश्त नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जाइए गाय इतनी जोर जोर से क्यों रंभा रही है? अरे अपनी भूली है ना। हाँ। इसे बच्चा होने वाला है। अच्छा लगता है इसके दिन ऊपर चढ़ गए इसलिए रंभा रही है, देखना अब की बार भी बचिया ही होगी। और बछड़ा हुआ तो? अरे हमारे किस काम का, कुछ दिन के बाद बेच देंगे, अरे ऊपर से भूरी का दूध चट कर जाएगा, अगर बचिया हुई दूध और दही बढ़ेगा और पशुधन भी बढ़ेगा।
भैया इंसान भी बड़ा स्वार्थी है, अपने लिए लड़का और गाय के लिए बचिया मांगता है। अरे बच्चों तुम्हें कछुए की कहानी पता है? हम बताओ। मैं सुनाती हूँ। अरे रामलाल तुम्हें अपनी पत्नी की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है, देखो कितनी कमजोर होती जा रही है। इस तरह बच्चे पे बच्चा पैदा करती जाएगी तो कमजोरी तो बढ़ेगी ना। बस अब की बार बेटा पैदा हो जाए फिर। इस बार भी बेटी पैदा हुई तो सबकी शादी कराकर अपने सर से ये बोझ उतार दूंगा। आखिर कौन बेटियों को घर बिठाकर खिलाता है? अगर मेरे पिता की सोच भी तुम्हारी तरह होती तो आज मैं डॉक्टर नहीं होती। रामलाल मेरी एक बात याद रखना, मुसीबत इस तरह टालने से नहीं टलती बल्कि उसकी उम्र और लंबी हो जाती है और फिर वो भूत की तरह हावी होने लगती है। डॉक्टर निजी, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को सांसारिक बात का कम ही ज्ञान होता है। खैर इसको ओटी लेके चलो। घबराओ मत, बस भगवान से प्रार्थना करो कि तुम लोगों की माँ हंसी खुशी घर वापस आ जाए। देखा आज तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बच्चा ये या दो ही अच्छे होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये बात तेरे बाप की समझ में आए तब ना, पर आएगी कैसे, वो पढ़ा लिखा जो नहीं है। इसीलिए तो तेरे बाप से हमेशा कहती रहती हूँ कि तुम लोगों को पढ़ाए लिखाए, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई सूरज के प्रकाश की तरह होती है, ये सभी को रास्ता दिखाती है। ये सुखी के साथ कौन है? मैं उसका पति। तो मुबारक हो। बेटा हुआ क्या? अरे नहीं, फूल सी बेटी पैदा हुई है। अरे चांद सा बेटा कहती तो तुम्हारा कुछ चला जाता क्या? मैं जा रहा हूँ। अरे कल्पना चावला चांद पर पहुँच गई। अरे ये है जो अभी तक लड़के लड़की में फर्क करता है। आ गया। अरे दुलारी बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। तेरी बेटियां जब देखो बाहर खेलती रहती है। अरे इन्हें घर के काम सिखला ताकि ब्याह के बाद हमारी जगह सही ना हो। अभी तो ये बच्चियां हैं तो ब्याह का वक्त आएगा सीख जाएगी। अरे तू बेटी समय का इंतजार करती रह, मैं इन सबके ब्याह की बात पक्की कराया हूँ। क्या कह रहे हो जी, इतनी जल्दी? अरे पगली, जितनी जल्दी सर से ये बला उतरे अच्छी है, फिर इतना अच्छा परिवार, जा सारी बेटियां इकट्ठी बह जाए। बापू नारी का तो फिर भी समझ में आता है जी, बाकी बेटियां तो बहुत छोटी है। अरे ब्याह ही तो कर रहा हूँ, कौन सा गोना कर रहा हूँ, गोना तो सिर्फ दुलारी और सुशीला का ही तो होगा। अच्छा जी, लड़के कौन है जी, करते क्या है? अरे अपने पड़ोस के हिम्मतगढ़ के है ना, सतबीर गुजर के लड़के है, अच्छा खाता पीता परिवार है। बड़े दोनों लड़के सरकारी नौकरी करते हैं, छोटे अभी शायद पढ़ रहे हैं। अब तू ब्याह की तैयारी कर ले, अगले महीने की 20 तारीख पक्की कराया हूँ। 20 तारीख? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा जी? उसका भी इंतजाम कर दिया है मैंने, चौधरी साहब से 60,000 रुपए की उधार ले ली है मैंने, वो कल दे देंगे। अब बस तू तैयारी कर दे जल्दी से। अरे दुलारी जरा पानी रख दे नहाने का। दुलारी और सुशीला को विदा किए हुए जी एक साल भी नहीं हुआ और ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हो। अरे बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, कुछ समय की बात और है,
फिर बाकी दोनों बेटियों का गोना कर चैन की सांस ले पाऊंगा और कुछ ही दिनों में हम लोग नाना नानी बन जाएंगे। सो तो है। माँ, तुम्हारी बेटी? क्या हुआ बेटी? छोड़ आई मैं अपने पति को। ऐसा बेटी? क्या हुआ बेटी? दिन रात मुझे अनपढ़ गवार होने का ताना सुनना पड़ता है। जरा बुखार की दवाई दे, सामने रखी है। हाँ, कौन सी दवाई है ये? कौन सी दवाई है ये? जी, बुखार की। ये जाहिल, ये कीड़े मारने की दवाई है। अरे तेरे बाप ने धोखे से तेरी शादी मुझसे करवाई। अगर मुझे पता होता ना कि तू एकदम अनपढ़ औरत है तो मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता, न मैं न मेरा भाई। जाहिल गवार, दफा हो यहां से। अरे उच्चड़ गवार, खड़ी खड़ी मुंह मत देख, दफा हो यहां से, दफा हो। और मैं कैसे रहूंगी मैं तेरे बिना? वो तो ठीक है सुजी, अब तू ही बता हम करें तो क्या करें? संभाल अपने आप को। मगर छोड़ आई इस हालत में बेटी? हाँ माँ, सुशीला का हाल तो मुझसे भी बुरा है। हर समय उसका पति उसे खाने को दौड़ता है, जानवरों से भी बुरा व्यवहार करता है, उससे सीधे मैं बात तक नहीं करता। न जाने वहां से मेरे आने के बाद क्या बीत रही होगी उस बेचारी पर। मुझे बीवी चाहिए थी, नौकरानी नहीं। ना अखबार पढ़ना आता है ना किताब, लोगों से मिलवाते शर्म आती है मुझे। ऐसे तो ठीक ही है, नौकरानी काम तो आती ही है ना, झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब काम ठीक ही है तेरे लिए, इसी लायक है। और सुन, मेरे साथ मत आया कर। पता है तुझे तेरे मायके वापस छोड़ दूं और तू क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? चल। अगर आपने बुआ और लोगों की बात मानकर हमें पढ़ाया लिखाया होता तो आज हम भी इज्जत से अपने ससुराल में बैठी होती। पापू, वो बुआ की दोनों बेटियां भी तो स्कूल में पढ़ने जाती है ना? तो वो बुआ कह रही थी कि बेटियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। अरे उसका तो बचपन से ही दिमाग खराब है, वो तो शुरू से ही पढ़ाई के चक्कर में रहती थी, बड़ी अंग्रेजन समझती है अपने आप को। जब बेटियों को बहने जाएगी ना तब अकल ठिकाने आएगी उसकी। बेटियों को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बापू, पर मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। बाप मरा अंधेरे से,
बेटी का नाम रोशनी? अरे ऊटनी इतनी बड़ी हो गई है, मुझे तो तुम्हारे ब्याह की चिंता सता रही है। और इसे है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे रामलाल जमाना बदल गया है, अब तू भी बदल जा, ये बेटे बेटे की रट छोड़ और अपनी बेटियों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा जैसे मैं पढ़ा लिखा रही हूँ अपनी बेटियों को। बस बस दीदी, ज्यादा उपदेश मत दो नहीं तो मेरा माथा फिरने लगता है। अरे माथा तो मेरा भी फिरने लगा है, पर तुझे बुरी लगे या अच्छी, जो सच है वो कहूंगी, आखिर तेरी सगी बहन हूँ। हे भगवान, क्या होगा मेरी बेटियों का? बापू तुम ही कहा करते थे ना, क्या करना है इन्हें पढ़ा लिखा कर, जल्दी से हाथ पिले कर टालो इन मुसीबतों। माँ मैं अब पढ़ूंगी, अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगी, ताकि सम्मान के साथ लौट सकूं अपने पति के पास, और अपनी बहनों को भी पढ़ाऊंगी ताकि ये दिन उन्हें ना देखना पड़े। हाँ बेटी, तो खूब पढ़ खूब पढ़, मैं तेरी साथ हूँ बेटी। बापू अब हमें पढ़ने से मत रोकना। जो गलती मुझसे होनी थी सो हो गई, अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। बापू अब हमारी किसी भी बहन का गौना कच्ची उम्र में मत करना, पहले उन्हें पढ़ने लिखने देना, फिर जब वो अपने पैर पर खड़ी होने लायक हो जाए फिर उनकी गौने की बात सोच। हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बेटा जो अन्याय मैंने तुम लोगों के साथ किया है उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। हाँ तुम्हारा ये दोषी बाप तुम लोगों को एक वचन देता है कि मैं अपनी बेटियों को इतना पढ़ाऊंगा इतना पढ़ाऊंगा कि कोई मर्द का बच्चा ये ना कहे कि मेरी बेटियां अनपढ़ गंवार है। कहाँ जा रहे हैं आप? सुशीला को लेने। हाँ बापू सुशीला को भी ले आओ, वो भी पढ़ेगी। हाँ बेटा अभी ला रहा हूँ उसको भी। विशेषज्ञ ने वापस ट्रेलर में आकर दुख की हैरान कर देने वाली तस्वीरें कंप्यूटर स्क्रीन पर की। बेटी, अरे हो? क्या हुआ? जल्दी करो इसको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। चलो चलो। अरे रामलाल वैसे? नहीं नहीं डॉक्टर जी, वो हमारी बेटी उम्मीद से उसे लेकर आए हैं। अब की बार क्या चाहिए, लड़का या लड़की? जो देवी माँ की इच्छा, हम तो सिर्फ इतना चाहते कि हमारी बेटी शह कुशल बच्चे को जन्म देकर ठीक ठाक घर आ जाए। शाबाश रामलाल। बापू मुझे सुमित्रा नंदन की चार पंक्ति बहुत पसंद आई है, सुनाओ। हाँ बेटा सुनाओ। उठ उठ लहरें कहती है हम कूल विलोक न पाए, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाए, नित आगे बढ़ती जाए, नित आगे बढ़ते जाओ, नित आगे बढ़ते जाओ। आइए आइए। संभालिए अपने बेटे को और मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करूं। चले हमें पता चला है कि तुम लोग पढ़ने लिखने लग गई हो, चलो ये तो बहुत अच्छा है। और जब मुन्ने के होने की खबर मिली तो हम लोगों से तो रहा नहीं गया और बस हम लोग चले आए। अब चलो अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। हम अपने घर जरूर आएंगे पर पूरी तरह पढ़ लिखने के बाद, ताकि आप हम पे शर्म नहीं गर्व महसूस करें। हम इंतजार करेंगे, अब हमें चाय मिलेगी। हाँ बेटा बैठो ना। हाँ आ जा आ जा मुन्ना, आ जा आ जा पापा के पास आ जा। देखो मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, जो हो गया सो हो गया, अब तो मुझे माफ कर दो।